जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ अपने भक्त के लिए 15 दिनों तक हो गए बीमार। ऐसा क्यों हो गया और कौन था ऐसा प्रिय भक्त जिसके कारण प्रभु जगन्नाथ हो गए बीमार। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक भक्त रहते थे जिनका नाम था श्री माधव दास। श्री माधव यहाँ अकेले ही रहते थे और उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं था। वे अकेले बैठे बैठे प्रभु जगन्नाथ का भजन किया करते थे। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे, उन्हीं को अपना सखा मानते थे और प्रभु के साथ खेलते थे। इतना ही नहीं, प्रभु भी अपने परम भक्त श्री माधव के साथ अनेक लीलाएं किया करते थे। प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधव दास अपनी मस्ती में मगन रहते थे। जब रोग ग्रस्त हो गए थे प्रभु जगन्नाथ के परम भक्त श्री माधव दास, तो कैसे भगवान ने अपने भक्त का रोग दूर किया। एक बार माधव दास जी को उल्टी दस्त से पीड़ित रोग लग गया। वे इस रोग के कारण बहुत दुर्बल हो गए थे। वे उठने बैठने के लिए भी समर्थ नहीं थे। हालांकि अपनी क्षमता के अनुसार वे अपने सभी कार्य स्वयं ही करते थे और किसी भी अन्य व्यक्ति से मदद नहीं लेते थे। कोई कहे महाराज जी हम आपकी सेवा कर दें, तो वे कहते थे कि नहीं, मेरे तो एक जगन्नाथ ही हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया तो उठने बैठने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुँचे और माधव दास जी से कहा कि हम आपकी सेवा कर दें, भक्तों के लिए आपने क्या नहीं किया, क्योंकि उनका रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि वे कब मल मूत्र त्याग देते, जिसकी वजह से उनके वस्त्र गंदे हो जाते थे। उन वस्त्रों को भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने हाथों से साफ करते थे। इतना ही नहीं, प्रभु उनके पूरे शरीर को भी साफ करते थे। प्रभु जगन्नाथ जी द्वारा की जाने वाली सेवा का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोई अपना भी किसी की इतनी सेवा नहीं कर सकता। होश में आते ही सेवक के बारे में जान गए थे श्री माधव दास। जैसे ही माधव दास को होश आया, वो जान गए थे कि जगन्नाथ के बिना अन्य कोई उनका ध्यान नहीं रख सकता। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन श्री माधव दास जी ने प्रभु से पूछ ही लिया, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप चाहते तो मेरा ये रोग भी दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो ये सब करना ही नहीं पड़ता। भगत की बातें सुनकर प्रभु ने कहा, देखो माधव, मुझसे अपने भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है, लगर अगर उसे काटोगे तो इस जन्म में नहीं, लेकिन उसे भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा की, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। प्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों के सहायक बन उन्हें प्रारब्ध के दुखों से कष्टों से सहज ही पार करा देते हैं। प्रभु ने अपने भक्त माधव से कहा, अब तुम्हारे प्रारब्ध में 15 दिनों का रोग और बचा है, इसीलिए 15 दिन का रोग तुम मुझे दे दे। जिसके बाद प्रभु जगन्नाथ ने अपने भक्त माधव दास के बचे हुए 15 दिनों का रोग स्वयं ले लिया। इसी वजह से भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार होते हैं। भक्तों के लिए हर साल 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं प्रभु जगन्नाथ। तो यह हो गई उस समय की बात, लेकिन भक्त वत्सला देखिए, भगवान जगन्नाथ को आज भी साल में एक बार स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं। इस दौरान पुरी में स्थित प्रभु जगन्नाथ का मंदिर 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। इस दौरान प्रभु की रसोई भी बंद कर दी जाती है, जो अभी भी कभी भी बंद नहीं होती। भगवान की इस अवस्था में उन्हें
छप्पन भोग भी नहीं खिलाया जाता। इस समय 15 दिनों तक आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा प्रभु को फलों का रस भी दिया जाता है। उन्हें रोज़ाना शीतल लेप भी लगाया जाता है और रात में सोने से पूर्व मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार होने के बाद 15 दिनों तक आराम करने के पश्चात वापस आते हैं, ताकि भक्तों के लिए भक्तों के दुख दर्द कष्ट वो अपने ऊपर ले सकें। ये है प्यारे जगन्नाथ का अपने भक्तों के प्रति प्रेम। तो हम भी ऐसे परम पूजनीय भगवान जगन्नाथ की शरण में जाएं और उनसे अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। जय हो भगवान जगन्नाथ।